Good morning, students. Today we are going to talk about post-fertilization event. So, what are the events occurring after fertilization? चलो, fertilization में क्या होता है? Suppose this one is ovary. एक ovary है, कुछ इस तरह का होता है. इसमें क्या है? Ovule है. क्लियर है? और इस ओव्यूल के अंदर इंब्रियो सैक है. ये इंब्रियो सैक, इंब्रियो सैक में जो माइक्रोफाइलर एंड में क्या होगा, एक ये पैरेटस जिसमें एक है और दो सिनर्जाइड्स है. इसमें एंटीपोडल होगा, अपोजिट पोल में, बीच में पोलर न्यूक्लियस. बट अभी जाके क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो ये क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है. अब यहां पे कुछ सेल्स वगैरह बचा होगा, ठीक है? इनको क्या बोलते हैं? ए रीजन है, इनको बोलते हैं न्यू सेल. देखो अब क्या होगा, ये जो PECN और PEN बोलो इसे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये क्या हो गया? अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है? ये बन गया जायगोट. ये क्या बन गया? जायगोट. अब देखो क्या होगा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद अगर न्यू सेलस सेल रहा है तो इन टाइप का सीड्स को बोलेंगे हम when new cells cells persist after fertilization. Then this type of seed is called perispermic seed. Example इसका है, जैसे होगा बीटरूट, ब्लैक पेपर, इन सब में क्या होता है? कुछ न्यू सेल्स का पार्ट रह जाता है, ठीक है? इन टाइप का सीड्स को बोलेंगे हम पेरिस्पर्मिक सीड. अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या क्या होते हैं, चलो हम इन शॉर्ट देखते हैं उसके बाद क्या होगा. उसके बाद सबसे पहले जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये बनाएगा एंडोस्पर्म. क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म, ठीक है? एंडोस्पर्म क्या है? फूड रिजर्व है. जब एंडोस्पर्म बन गया उसके बाद ही जाके जायगोट क्या करेगा? इम्ब्रियो बनेगा, ठीक है? जायगोट बनेगा इम्ब्रियो. और मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, ये जो न्यू सेल्स का सेल्स है
वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली यूज्ड हो रहा है, कंप्लीटली कंज्यूम मोस्टली। क्लियर है? अब देखो अंदर इंद्रियों से के अंदर क्या है, सिनर्जाइड्स है, एंटीपोडल्स है। ये क्या है, ये तीनों सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स। और ये दोनों सेल्स को हम बोलते हैं सिनर्जाइड्स। अब देखो यहां क्या होगा, एंटीपोडल्स एंड सिनर्जाइड्स गेट डीजेनरेटेड। मतलब ये जो है एंटीपोडल और सिनर्जाइड दोनों से, ये दोनों टाइप का सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद जो है इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म क्या करेगा कि वो मल्टीप्लाई होकर पूरा एक कंजर्व कवर करेगा। जो है ए क्या बोलते हैं इसको, इंटेगुमेंट्स, जो इंटेगुमेंट्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोड में। ठीक है? और ये जो ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी दिस इज ओव्यूल, दिस वन इज ओव्यूल, ओव्यूल कन्वर्ट होगा फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्टेड टू सीड दैट फ्रूट। और ये जो ओवरी है, ये वाला पार्ट, ये बल्जिंग पार्ट, इनको बोलते हैं ओवरी, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। क्लियर है? तो ये सारे इवेंट्स होगा इसके अंदर, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये सारे क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इवेंट्स जो भी है, अब हम बात करेंगे इंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे होते हैं? देखो देखो क्या होता है, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट का बात है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। और हम एक केस में एंजियोस्पर्म का ही इंडोस्पर्म का बारे में बात करें। इट इज मेनली फोकस्ड ऑन एंजियोस्पर्म्स। तो चलो एंजियोस्पर्म क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन
ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन किसके बीच में होगा, दो पोलर न्यूक्लाई दैट इज बिटवीन टू पोलर न्यूक्लाई, प्लस वन मेल गैमेट, एक मेल गैमेट के बीच में होगा, ठीक है। ए क्या है, रिजर्व फूड है, ठीक है। अब ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो सेल्स रहता है ना, उनको बोलते हैं हम द सेल फॉर्म्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन इज प्राइमरी इंडस फॉर्म से, सेल जिनको इन शॉर्ट पीईसी भी हम लिखते हैं, क्लियर है। अब ए सेल से प्राइमरी इंडस फॉर्म सेल से कंप्लीट इंडस फॉर्म बन रहा है, ओके। तो इंडोस्पर्म डेवलपमेंट फ्रॉम पीईसी जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है टेक्स प्लेस बिफोर एम्ब्रियोजेनेसिस, ये जो है ये एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनेसिस से पहले होता है, और जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट फुल्ली हो गया उसके बाद ही जाके एम्ब्रियोजेनेसिस होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, क्लियर है। अब जाके ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन द एंडोस्पर्म इज ऑफ थ्री टाइप्स, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट एंडोस्पर्म इज ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन टाइप्स का होता है। पहले वाला है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसमें क्या होगा देखो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, सपोज दिस इज अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसमें क्या होगा, देयर विल बी कंटिन्यूअस कैरियोकिनेसिस continuous karyokinesis without cytokinesis,
ठीक है, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, कार्योकिनेसिस मतलब हो गया न्यूक्लियर डिवीजन, बस न्यूक्लियर डिवीजन रिपीटेडली होगा बट साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होगा। तो इस कारण से क्या होगा, देयर विल बी जनरेशन ऑफ फ्री न्यूक्लियस। सो सेम एक ही साइटोप्लाज्म रहेगा, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस। इन टाइप का एंडोस्पर्म्स को हम बोलेंगे प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर है? अब इनका एग्जांपल्स है कोकोनट वाटर। जो कोकोनट का कोकोनट वाटर होता है ना, कोकोनट वाटर ये क्या है, ये फ्री एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। क्लियर? अब जाके सेकेंड टाइप है सेलुलर एंडोस्पर्म। दूसरा टाइप है क्या, सेलुलर एंडोस्पर्म। अब सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, जो नॉर्मल, चलो ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, इसमें दोनों चीज होगा, कैरियोकिनेसिस मतलब हो गया न्यूक्लियस डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साधारण भाषा में क्या बोलेंगे इनको, नॉर्मल सेल डिवीजन होगा। क्लियर है? अब ये नॉर्मल सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली होने के बाद तो क्या होगा, देयर विल फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, बिकॉज ऑफ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। तो ए टाइप का एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, ये हो गया। ठीक है, इनका एग्जांपल है जैसे हो गया कोकोनट वाटर के बाद जो व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट है ना, व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, कोकोनट में क्या होता है, कुछ प्री न्यूक्लियस डिवीजन होता है, बाद में जाके नॉर्मल सेलुलर डिवीजन होता है। न्यूक्लियर, प्री न्यूक्लियर डिवीजन से प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, और नॉर्मल डिवीजन के बाद जो व्हाइट एडिबल पार्ट है, जो हम खाते हैं, वो पार्ट फॉर्म होगा, वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। अब जो थर्ड टाइप है इनको हम बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोबियल।
इसमें क्या होगा, ये जो मेनी प्रेजेंट होते हैं मोनोकोट्स में, मोनोकोटिलेडन प्लांट में, ठीक है, इट्स प्रेजेंट इन मोनोकोट। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उनका पहले क्या होगा, कुछ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन। पहले क्या होगा, फ्यू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। चलो ए है, इसमें कुछ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, नॉर्मल सेल डिवीजन। ठीक है, तो अब जाके कुछ इस तरह का बनेगा, जिसमें मानो टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ये क्या है, फ्री है, एंडोस्पर्म है, इनको हम बोलते हैं एलोवियल एंडोस्पर्म। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट एंड देयर डिफरेंट टाइप्स। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकोटिलेडन प्लांट, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकोटिलेडन प्लांट। थैंक यू।